कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन को लेकर कांग्रेस दो गुटों में बंटी नजर आई। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर के समर्थकों ने रोहतक में राहुल गांधी का अलग अलग जन्मदिन मनाया। एक दिन पहले भी कांग्रेस भवन में राहुल गांधी के जन्मदिन का होर्डिंग लगाने को लेकर विवाद हुआ था। इस विवाद का एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें हुड्डा समर्थक पूर्व विधायक बीबी बत्रा व अशोक तंवर के समर्थकों के बीच जमकर कहासुनी हुई। वीडियो में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा समर्थक एवं अशोक तंवर के समर्थकों के बीच हुई कहासुनी साफ नजर आई। कल हुए विवाद के बाद आज यानी मंगलवार को राहुल गांधी के जन्मदिन पर सुबह पहले अशोक तंवर के समर्थक कांग्रेस भवन पहुंचे और केक काटकर राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया। तंवर समर्थकों ने पूर्व विधायक बीबी बत्रा पर निशाना साधा और उनसे माफी मांगने की मांग की। इसमें सीधा सीधा जो सामने आए बीबी बत्रा जी तो हैं, हमने आगे बोली दिया है क्योंकि बीबी बत्रा जी ने हमारे पूर्व मुख्यमंत्री का और दीपेंद्र जी का फोटो लगा रखा है, तो ये तो उनसे पूछो आप। मैंने भी पूछा अपनी वीडियो के माध्यम से कि हुड्डा साहब इस बात का जवाब दें, दीपेंद्र जी इस बात का जवाब दें कि इस कुकृत्य जो बीपी बत्रा जी ने किया है, क्या उनका हाथ है उसके पीछे, वो बताएं। उनकी सहमति है उनके पीछे, वो बताएं। अच्छा, पहले आप लोगों ने पोस्टर उतारा, फिर उन्होंने पोस्टर उतारा? ना ना ना, उतारा नहीं हमने, हमने उतारा दोनों पक्षों ने। नो, ये आप अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कभी कोई गलत बात नहीं कहनी चाहिए। हमने उतारा नहीं है, हमारा जो फ्रेम बना हुआ है इसमें, जैसे आज का जन्मदिन है वो खत्म हो जाता, सभी को हमने बताया था कि आज पहले आपने देखा होगा जब जन आक्रोश हमारी दिल्ली में रैली थी, तो यहाँ किसी ने कोई चेंज नहीं किया, मीडिया वालों ने लिखा था, उसमें कांग्रेस की खूब बेइज्जती हुई थी कि कांग्रेस के दफ्तर में बैनर नहीं बदला गया, हमें महसूस हुआ। अब हमने इंतजार किया कल तक, कभी कोई अगर हमारा साथी बदले तो हमें जरूरत ही नहीं है। फिर हमने देखा भी कोई नहीं बदल रहा है, तो हमने सब ने मिल के एक बैनर बनाया जन्मदिन का, और जो राहुल जी का संदेश है वो लिखा और लगा दिया उस फ्रेम में। और जब भी बीबी बत्रा जी आए तो उनको भी ये रिक्वेस्ट की थी भी कल तक है ये, तो आपने नहीं लगाया, तो बीबी बत्रा जी को कहेंगे आपके माध्यम से। हमने एक वीडियो के माध्यम से भी कहा है कि कई बार क्या होता है कि समय आदमी का ख़राब होता है, और समय से कोई सुधारना चाहे तो मौका देना चाहिए। हमारे देश की रीति रिवाज ऐसी हैं कि कोई भी गलती करता है उसको माफ़ी का मौका दिया जाता है, तो हम बीबी बत्रा जी को कहते हैं वो सद्बुद्धि अपने अंदर पैदा करें और सबसे माफ़ी मांगें। जो उन कार्यकर्ताओं को लटकी धौंस दिखाई थी, वो सार्वजनिक तौर पे ये कहें कि मैंने लटकी धौंस गलत दिखाई, मैंने राहुल जी का और महापुरुषों का अपमान गलत किया, मैं गलती सॉरी फील करता हूँ। हम खत्म, हमारा कांग्रेसी तो ऐसे ही होते हैं, बल्कि भारत के नागरिक ही सीधे होते हैं, उनको एक बार कोई कह दे मेरे से गलती होगी तो सब सुहार दर्दे में आ जाते हैं। इस तरह के मिजाज से तो ऐसा लग रहा है, आप बात तो बहुत अच्छी कह रहे हैं, लेकिन आप मेरे से ज़्यादा सद्बुद्धि है आपके पास। कभी भी बुरे आदमी को बाहर निकालने से समय खराब नहीं आता, गंदगी बाहर निकल जाए तो आप खुद लिख देना उसमें जहाँ से गंदगी, जैसे सेब है 10 सेब रखे हैं, एक सब काणा हो गया, क्यों हटाते हैं उसमें से? उसको इसलिए हटाते हैं कि वो दूसरे सेबों को खराब ना कर दे। अब आप लगा लेना, अब हटाए, आज हमने बोला है जिस आदमी ने गलत किया है, अब आप देखना आगे आगे होता है क्या। आपने प्रस्ताव पास ये किया है कि बीबी बत्रा जी माफ़ी मांगे सार्वजनिक सभी से, जो उन्होंने लटकी दोस्त और कार्यकर्ताओं को डराया है और महापुरुषों के बैनर को हटा के कुकृत्य किया है। नंबर दो, हमने ये प्रस्ताव पारित किया है कि ऐसे आदमी को कांग्रेस में नहीं रखा जाए, उसको बाहर निकाला जाए। तीसरा हमारा ये है कि अभी हम सब लोग ये चीज़ें नहीं मानी गई तो हम राहुल जी से मिलने जाएंगे, और भूपेंद्र हुड्डा जी से और दीपेंद्र जी से भी हमने यहाँ से एक प्रस्ताव पास किया, और दोनों लोग भी अपनी स्थिति स्पष्ट करें, क्या वो ऐसे कुकृत्य करने वाले के साथ हैं, क्या वो फोटो उनकी सहमति से लगे हैं, क्या उनको पता भी नहीं है। बाद में दोपहर को हुड्डा समर्थकों ने भी राहुल गांधी के जन्मदिन पर केक काटा। इस दौरान पूर्व विधायक बत्रा ने बीते दिन हुए विवाद को मामूली विवाद बताया। कोई इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं है, कंट्रोवर्सी ज़्यादा तोल दी जा रहा है, परिवार के अंदर, कांग्रेस परिवार के अंदर छोटी छोटी बातें होती रहती हैं और उसको सुलझा लिया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। मतलब ये है कि कांग्रेस जिनको सबको कांग्रेस के हित के अंदर एक आपस में टॉलरेंस होनी चाहिए इस बात के लिए, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनके ऊपर के पास टॉलरेंस नहीं है और इस तरह का वातावरण उसमें खराब कर रहे हैं। नहीं, मामला कोई इतना ऐसा नहीं था कि वो ऑलरेडी वहाँ पर जनक्रांति रैली का हमारा बहुत बड़ा फ्लैक्स लगा हुआ था जिसमें राहुल गांधी जी की तस्वीर थी वहाँ पर, और साथ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का भी वहाँ पर चित्र लगा हुआ था, और पहले भी तंवर जी के वहाँ पर फ़ोटो लगते रहते हैं, फ्लैक्स में लगते रहते हैं, हमें कोई तंवर जी के फ़ोटो लगने में कभी कोई इतराज़ नहीं किया। कांग्रेस भवन में, क्योंकि कांग्रेस भवन ऐसी जगह पर है कि वहाँ पर काफ़ी जगह ऐसी और हैं कि जहाँ पर और भी फ्लैक्स लगते रहते हैं, पहले भी लगते रहते हैं,
पूरी पूरी दीवार के ऊपर भी तंवर जी के फ्लैक्स लगते रहते हैं, हमें कोई इतराज नहीं है। मेन इस बात का है कि हमारे सांसद हैं, सांसद जी का वहाँ पर फ्लैक्स में चित्र लगना चाहिए। आतंक कांग्रेस के हित में ये नहीं होना चाहिए और तंवर जी को खुद इसको सॉल्व करना चाहिए। छोटी मोटी कंट्रोवर्सीज हैं जिसका थोड़ा सा रिफ्लेक्शन पब्लिक में परसेप्शन में ठीक नहीं जाता है, उसको अध्यक्ष होने के नाते उनको इसको रिजॉल्व करना चाहिए। बता दें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर के समर्थकों ने रोहतक कांग्रेस भवन पर लगे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विशाल होर्डिंग को तोड़कर उसके स्थान पर राहुल गांधी के जन्मदिन से संबंधित एक नया व विशाल होर्डिंग लगा दिया था, जिसे लेकर दोनों धड़ों के बीच आपसी विवाद शुरू हो गया था। हिंद एक्सप्रेस के लिए रोहतक से सनी की रिपोर्ट।